क्वेश्चन नंबर 7, रेडियस गिवन है सर्कल का 12 सेंटीमीटर और जो सेंट्रल एंगल है वो 120 डिग्री दिता हुआ है, तो 120 डिग्री एंगल के कोरसपोंडिंग जी कोड बनती पी आ माइनर सैगमेंट आप पता करना ए वाला, ठीक है। तो इन्हों असी मैच कर लें ओ ए एंड पी, तो जो सेंटर एंगल है वो 120 डिग्री दिता हुआ, रेडियस जी 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है। देखो बच्चे ये डिफरेंट की आ एंगल है ना, बाकियों के असी 90 डिग्री तो 60 डिग्री वाले करके आए, बट ये 120 डिग्री का आ गया। जो 120 डिग्री का एंगल आ जाए तो उदो असी इन किस तरह सोल्व करना आ, सैगमेंट माइनर सैगमेंट फाइंड करने कहा गया। सो सेम ही है कि एरिया ऑफ माइनर सैगमेंट पता करने वास्ते असी की करते होंगे कि एरिया ऑफ सैक्टर के विचों एरिया ऑफ ट्राइंगल घटाई दा वा ना, ये देखो एरिया ऑफ सैक्टर के केड़ा फॉर्मूला लगाना है, केड़ा माइनस करना है वाला, जो 120 डिग्री आ जाए ये आर स्केयर सिन थीटा अपॉन टू कॉज थीटा अपॉन टू ए वाला जो फॉर्मूला वो लगाओगे तुसी, ठीक है, क्योंकि तुसी 8th चैप्टर करके आए हो तो तुम चंगे तरीके पता है कि सिन की है तो कॉज की है। एरिया ऑफ सैक्टर का फॉर्मूला भी तुम्हें पता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्केयर, ये आर स्केयर सिन थीटा अपॉन टू कॉज थीटा अपॉन टू। देखो बच्चे ये आर स्केयर क्योंकि आर दोवों का ही 12 है, सेम है, इट मीनस आर स्केयर असं कॉमन कढ़ सकते हैं ना, तो थीटे की वैल्यू हैगी 120 डिग्री और जी पाई की वैल्यू 3.14 है। जेकर उन्होंने 3.14 कही तो उ फिल करनी है, जेकर नहीं कही तो फिर एज यू विश तुम ये भी कर सकते हो 22.7 में भी फिल कर सकते हो। सो आर स्केयर आप कॉमन कढ़ चुके हैं, ये नहीं लेना। सिन हुण थीटा हैगा 120/2, तो 120/2 जेकर आप डिवाइड करांगे तो कितना बन जाएगा साढ़े को 60 डिग्री बन जाएगा ना, ये भी कॉज आ तो थीटा अपॉन टू है, थीटा की वैल्यू जो 120 डिग्री फिल की तो 2 ने उन्होंने डिवाइड किया तो ये भी 60 डिग्री बन जाएगा। हुण देखो बच्चे आर की वैल्यू हैगी 12 की स्केयर लग जाएगी, जेकर तुम इन्हों की कटिंग करो 0 कैंसल तो 12 3 36 है ना, 1/3 आ गया। यदा जो पॉइंट है उन्होंने तुम सोल्व करके नीचे 100 लगा लो, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू जी सिन 60 की वैल्यू 3/2 होंगी है, तो कॉस 60 की वैल्यू हैगी 1/2, ये भी आप टेबल करके आए चंगे तरीके ट्रिग्नोमैट्री के। 12 की स्केयर का मतलब दो बार मल्टीप्लाई किया 144 आ गया ना, ये की है हूँ कि यह जरा 314 मैं इस तरीके लिख लिया और जरा 3 उस तरीके अंडर 3 की वैल्यू हैगी 1.73, तो 2 जा की आ गया 4 आ गया। हुण इहदे विच भी एक सिंपल मैथड तुसी कर लो कि जेकर आपां पॉइंट कढ दईए, इत्थे मैं इत्थे तुसी स्टैप नहीं खाणागा, तुसी करना ही करना, मैं पॉइंट कढ रही हां ताकि वीडियो ज़्यादा लौंग ना बने, तो पॉइंट के पिछे 2 डिजिट सीगे थले लग गया 100। देखो हुण इधर भी 100 आ गया, इधर भी 100 आ गया, इहनूं आपां कॉमन बाहर कढ सकते हैं, ये 144 के नीचे जाके लग जाएगा तो अंदर थोड़ा सम ईजी हो जाएगा, है ना। हुण 3 ते 4 का तो एलसीएम लैना पैना ना, वो किन्ना आएगा 3 ते 4 का जिहड़ा एलसीएम आ वो किन्ना आएगा साढ़े कोल 12, ठीक है। सो इन्हों बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कह लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने तो बाद आ जाए 314 बच्चे 4 ना मल्टीप्लाई करा, तो इन्हों मल्टीप्लाई करके 1256 आ जाएगा। 173 3 ना मल्टीप्लाई किया 519 आ गया। हुण तुसीं इन्हों माइनस कर लवो, मैं इधर कर रही हूँ स्टैप्स, माइनस करन तो बाद साढ़े कोल आएगा 737। हुण ए सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 12 नूं 144 दे नाल तोड़ देवां तो 12 आ जाएगा, 12 नूं 737 दे नाल तुसीं मल्टीप्लाई करोगे 8844/100, तो 100 दे की लग जाएंगे पॉइंट्स, नीचे 2 ज़ीरोज़ आ उपरों लास्ट तो 2 डिजिट छड़ के पॉइंट, तो ए तुहाडा की आ जाएगा एरिया ऑफ माइनर सैगमेंट।